हातिम, हातिम, हातिम मेरी बात सुन यार, मुझे तुझसे बात करनी है। हातिम मेरी बात तो सुन लो। हातिम, 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 पछता रही हो कि हातिम के सामने इतने बड़े बड़े झूठ क्यों बोले? नहीं अम्मी, मुझे अपनी किसी भी बात का पछतावा नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि उसका यहाँ आना इस बात का इशारा है कि उसे तुम्हारी बेवफाई पे यकीन नहीं है? उसे यकीन हो या ना हो, उसके नसीब में मेरी वफा नहीं है, तो बेहतर यही है कि वो मेरी बेवफाई पे यकीन कर ले। सोमिया, उसने राहिला से क्यों पूछा तुम्हारा और अदन का निकाह कैसे हुआ? क्या सुनना चाह रहा था वो राहिला से? मुझे नहीं पता अम्मी, और आप ही तो कहती हैं कि अदन ही अब मेरा सब कुछ है, तो बेहतर यही है कि अब हम हातिम के बारे में जिक्र करना छोड़ दें। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। मैं हातिम को रोकता रहा लेकिन वो रुका ही नहीं, चला गया। मैंने जबरदस्ती उसे डॉक्टर के पास भेजा है, तड़प रहा था वो बुखार में। अरे पप्पू, तुम मुझे बुला लेती, मैं ले जाता उसे। तुम्हें देखकर तो उसके जख्म और ज्यादा हरे हो गए होंगे नुमान। एक इल्तिजा है मेरी, हम माँ बेटे को हमारे हाल पे छोड़ दो, अल्लाह का वास्ता है बस। पप्पू ऐसे ना बोलें प्लीज। किसी एक शख्स से रिश्ता खत्म हो जाने के बाद अब हम सबसे तो रिश्ता नहीं खत्म कर सकती। जितनी बेइज्जती हुई है ना उसकी तुम्हारे घर में, उसके बाद तो हर रिश्ता खत्म हो जाना ही बेहतर है। मुझे एहसास है आप लोगों के दुख का। एहसास ही तो नहीं है किसी को हमारे दुख का। तुम्हारी बहन ने तो जो चाहा उसे मिल गया, अकेला तो मेरा बेटा रह गया ना। तुम्हारी बहन के हाथों जिल्लत सह के वो इतना सहम गया है कि सोते में जागता है और जागते में सोता है। बस दुआ करो कि अल्लाह उसे ये दुख सहने की हिम्मत दे दे। पप्पू हातिम बहुत समझदार लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, मुझे पूरी उम्मीद है कि उसकी जिंदगी भी अपनी डगर पे चल पड़ेगी। वो तो इतना मासूम है कि अब तक वो ये समझ रहा है कि कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हो गई। सोमिया की बेवफाई ख्वाब लगती है उसे। आज भी वो गलती से तुम लोगों के घर पहुंच गया था। बेचारा नादान समझ रहा था कि शायद वहां किसी की आंखों में उसके लिए हमदर्दी हो, नदामत हो, लेकिन पता है वहां उसके साथ क्या सलूक हुआ? तुम्हारी बहन ने उसे वहां से बेइज्जत करके निकाल दिया। भाभी के सामने चीख चीख कर उस लड़के से अपने मुआशके का इकरार किया और किसी ने नहीं रोका उसको, ना राहिला ने, ना भाभी ने। और तुम ये गिला कर रहे हो कि तुम्हारे रोकने से वो रुका नहीं। सोमिया ने सिर्फ आप लोगों का दिल नहीं दुखाया, मेरा भी दिल दुखाया। मैंने तो बहुत प्यार से और लाड से रखा उसे, लेकिन वो तो हमारी मोहब्बत का हमेशा नाजायज फायदा ही उठाती रही। अरे किसी का लिहाज ही नहीं किया उसने। मैं तो कहती हूँ उस लड़के से कहो जल्द अज जल्द सोमिया को यहाँ से ले जाए। जब तक आंखों के सामने रहेगी ना, बेचैन ही रहोगे तुम लोग। ठीक कह रही हैं, चलता हूँ।